बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आज का जो एक्सचेंज रेट है वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले तो आप बैकग्राउंड देख लें जी, इस तरफ भी देख लें आप, ये पालतू मुर्गी है जी हमारी। तो बहरहाल जी, अगर डॉलर के मतलब बात करें तो डॉलर में आज अच्छा खासा इजाफा बोलूँगा आपको इसको मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद डॉलर तकरीबन 2 रुपये महंगा हुआ। रेट आपके सामने 289.34 हो चुका है, तकरीबन 2 रुपये बोल रहे हैं आप, 180.90 2 रुपये बोल रहे हैं यार, तकरीबन एक ही दिन में डॉलर महंगा हुआ है। अगर रियाल रेट की बात करें तो वो आपको मैं पहले आज का एक्सचेंज रेट भाई बता दूँ, जो कि पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से अगर हम बात करें तो पूरा 76 रुपये। आपको साथ में रेट भी दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं और वाजह करता चलूँ भाई, कि अगर बात करें ना, आज डॉलर 2 रुपये महंगा हुआ है और रियाल में इतना इजाफा नहीं देखने को मिला है, तो कल देखिएगा, कल इसमें रियाल में अच्छा खासा इजाफा होगा। यानी कि डॉलर बढ़ने के एक दिन बाद भाई रियाल ऊपर चला जाता है। और अगर इंडिया की बात करें तो 22 रुपये, बांग्लादेश टके की बात करें तो भाई 29 टके बांग्लादेशी टके का भी रेट हो चुका है। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आपको बता देता हूँ मैं। इनमें मनीग्राम की बात करेंगे, सबसे पहले मनीग्राम का आज का रेट भाई 75 रुपये 26 पैसे 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। और मैं ये बात तकरीबन गारंटी से बोल रहा हूँ, कल मनीग्राम का रेट भाई 75.5 रुपये या 76 रुपये के करीब होगा, कल देख लीजिएगा। अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक की बात करें तो भाई इनका आज का रेट 75 रुपये 24 पैसे 10, 17 और 23 रियाल इनके भी फीस होती है। अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो वेस्टर्न यूनियन आज का रेट 75 रुपये 78 पैसे हाई रेट दे रहा है वेस्टर्न यूनियन, और इनकी 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है। तहवील राजी बैंक की अगर हम बात करें तो भाई इनका आज का रेट 75 रुपये 22 पैसे 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। एंड अगर STC Pay की बात करें तो STC Pay का भाई आज का रेट 75 रुपये 30 पैसे 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर फौरी बैंक जजीरा की हम बात करते हैं तो भाई इनका आज का रेट 75 रुपये 38 पैसे 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। और अगर इंजाज बैंक की भाई बात करें तो इंजाज बैंक का आज का रेट 75 रुपये 42 पैसे 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। एंड अगर क्विक पे की बात करें तो क्विक पे का भाई आज का रेट 75 रुपये 52 पैसे है, एक इनका रेट भी हाई है और 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। और अगर ओपन मार्केट की बात करें यानी कि पाकिस्तान में रियाल का रेट है, ये तो मैंने आपको बैंकों का बता दिया है, इनमें साथ में आपकी फ़ीस भी काटी जाएगी। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त 77 रुपये तक रियाल पहुँच चुका है, आने वाले चंद दिनों की अगर बात करें तो 80 रुपये तक हो सकता है। डॉलर की भाई बात करें तो डॉलर 300 क्रॉस कर सकता है आने वाले चंद दिनों तक। और अगर तमाम परदेसी भाई जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बात मैं और बोलता चलूँगा, वो क्या भाई कि यार देखें, आने वाले अगर 5-10 दिन 15 दिन आप रियाल रोक कर रख सकते हैं तो रोक लें भाई। मैं बोलता हूँ डॉलर में परचेस करवा लें बेस्ट है, अगर डॉलर नहीं तो रियाल अगर अपने पास रखना चाहते हैं तो रियाल रख लें। आने वाले 10-15 दिन के अंदर अंदर इसमें अच्छा खासा इजाफा होगा और आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा।